हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का टेकी सौरभ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किसी भी फोटो पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बैंक डिटेल या फिर कोई पर्सनल फोटो हो किसी को भी भेज देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जिसको भी उस फोटो को भेजे उसके अलावा कोई भी उस फोटो को ओपन ना कर सके। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप किसी को भी अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ भेजते हैं या फिर पर्सनल डेटा भेजते हैं और आप चाहते हैं कि उसके अलावा कोई भी उस फोटो को या फिर उस इमेज को मतलब कि ओपन ना कर सके, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इस ट्रिक को आपको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो भेजी है और इस फोटो को अगर मैं यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने पासवर्ड मांग लेगा। अगर मैं पासवर्ड को एंटर करूँगा, सही सही पासवर्ड को डालूँगा, तभी ये फ़ोटो ओपन होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पासवर्ड सेट किया है 1234। ये पासवर्ड डालने के बाद अगर मैं ओपन करता हूँ तो ही ये फ़ोटो ओपन होती है, या फिर पासवर्ड सही डालूँगा तो ही ओपन होगी, अगर पासवर्ड गलत डालूँगा तो ये ओपन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फ़ोटो पर लॉक लगाकर किसी को भी भेजेंगे और उसका पासवर्ड बता देंगे तो ही वो ओपन कर पाएंगे और उसके अलावा कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन के किसी भी फ़ोटोज़ पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना होगा और उसके बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बगल में एक घंटी का आइकन आएगा तो इसे भी दबाकर आपको ऑन कर देना होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना होगा। यहाँ पर आपको लिख देना होगा फ़ोटो लॉकर, ठीक है। यहाँ से आपको लिख देना होगा फ़ोटो, उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है लॉकर। यहाँ पर आपको इस तरह से लिखकर कमेंट को भेज देना होगा और उसके बाद मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि किस तरह से आप किसी भी फ़ोटो पर लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगती है, तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है और जैसे ही आप सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी और फोन की गैलरी से आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप लॉक लगाना चाहते हैं। तो यहां पर मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं और ऊपर आपको यहां पर राइट साइड में डन का ऑप्शन मिलेगा तो आपको डन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको बीच वाला ऑप्शन जो कि पीडीएफ का ऑप्शन है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस फोटो का नाम सेट करना है। तो यहां पर मैं कोई भी एक नाम सेट कर देता हूं, जैसे कि ये ही सेट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको प्राइवेसी मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है तो इसके बगल में आपको एक बॉक्स आएगा तो इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर आपको नीचे का ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर आपको नीचे में पासवर्ड डालना है जिस भी पासवर्ड को आप उस फोटो के लिए सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली 9090 कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9090 सेट कर देता हूँ और इसके बाद नीचे आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा तो आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड भी आ सकता है क्योंकि ये फ्री का एप्लीकेशन है, तो आपको ऐड को कट कर देना है और कट करने के बाद ये देखिए आपकी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसके बगल में आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा तो आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको उस फोटो को व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर जहाँ भी आप भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको भेज कर दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने फ़ोटो को भेज दिया और इसके बाद आप जिसको भी फ़ोटो को भेजेंगे उसको पासवर्ड सही सही बता देना है और वो जब फ़ोटो को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसको पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर वो सही पासवर्ड नहीं देगा तो ये ओपन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं सही पासवर्ड देख के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने 9090 पासवर्ड सेट किया था, मैंने 9090 टाइप कर दिया और उसके बाद ओपन करता हूँ तो ये फ़ोटो बहुत ही आसानी से ओपन हो जाती है। मतलब कि दोस्तों, आप जिसको भी बताएंगे पासवर्ड वही ओपन कर पाएगा, उसके अलावा कोई भी उस फ़ोटो को ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।